हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल टनाटन एकेडमी। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम रिवाइज करने वाले हैं इग्नू का एक क्वेश्चन पेपर फॉर द टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2022। दिस इज फॉर द सब्जेक्ट कोड MCO 021 मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स। एज यू कैन सी इन द क्वेश्चन पेपर, द टाइम लिमिट इज 3 आवर्स एंड मैक्सिमम मार्क्स आर 100। यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस एंड ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और पास वाले बेल आइकन को भी हिट कर लिया है ऐसे ही और अपकमिंग वीडियोस के लिए। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। वन बाय वन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स इज इकोनॉमिक्स अप्लाइड इन डिसीजन मेकिंग, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद सूटेबल एग्जाम्पल। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र का ऐसा अर्थशास्त्र है, एक ऐसा अर्थशास्त्र है जिसका उपयोग निर्णयन में है। इस कथन की उपयुक्त उदाहरणों सहित पुष्टि कीजिए। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा फर्स्ट यूनिट के अंदर ही। फर्स्ट यूनिट का नाम है स्कोप ऑफ मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स। उसके अंदर टॉपिक है बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स डिसीजन मेकिंग। ये सारा क्वेश्चन वहीं से है। ओके, सो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसके अंदर आपको 2 फ्लो चार्ट्स देखने को भी मिलेंगे। आप पूरा फ्लो चार्ट से एक्सप्लेन करके इस क्वेश्चन को समझा सकते हैं। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन, डिस्कस वेरियस डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स एंड एग्जांपल्स। मांग के विभिन्न निर्धारकों की चर्चा रेखाचित्रों एवं उदाहरणों की सहायता से कीजिए। ये क्वेश्चन है यूनिट 4th का, डिमांड कॉन्सेप्ट एंड एनालिसिस। इस चैप्टर के अंदर टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड का। इसको आपको एक्सप्लेन करना है, जिसमें आपको एग्जांपल और सारे डायग्राम्स बनाकर दिखाने हैं। 2 डायग्राम्स बनेंगे, एक इंक्रीज डिमांड का, एक डिक्रीज डिमांड का विद एग्जांपल। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस विद डायग्राम्स एंड एग्जांपल्स द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स। ह्रासमान सीमांत प्रतिफल के नियम की रेखाचित्रों एवं उदाहरणों सहित चर्चा कीजिए। ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स है ना, ये आपको मिलेगा यूनिट 7th के अंदर, यूनिट नंबर 7 विच इज प्रोडक्शन फंक्शन। उसके अंदर टॉपिक मिलेगा पूरा द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स, जिसमें आपको एग्जाम्पल और डायग्राम्स के साथ इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 4th, डिस्कस द करेक्टरिस्टिक्स यूज टू क्लासिफाई मार्केट स्ट्रक्चर्स। बाजार संरचनाओं के वर्गीकरण के लिए उपयोग की जाने वाली विशेषताओं की चर्चा कीजिए। तो ये है जो क्वेश्चन 4th, ये मिलेगा आपको 10th यूनिट विच इज मार्केट स्ट्रक्चर एंड बैरियर्स टू एंट्री। उसके अंदर आपको टॉपिक मिल जाएगा जिसमें 4 करेक्टरिस्टिक्स मैंशन किए हुए हैं। मैं आपके लिए 4 करेक्टरिस्टिक्स भी आपको बता देती हूँ। नंबर एंड साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलर्स, नंबर एंड साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायर्स, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड 4th इज कंडीशंस ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। इसी के बेसिस पर 4 टाइप्स की मार्केट्स होती हैं, उनकी क्लासिफिकेशन है परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। तो ये था हमारा 4th क्वेश्चन। Now let's move on to the 5th question. Explain marginal cost and incremental cost with suitable example. Also state the difference between these two cost concepts. सीमांत लागत और वर्धमान लागत की उपयुक्त उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। इन दोनों लागत अवधारणाओं में अंतर भी बताइए। ये जो 2 concepts है ना, कौन से, marginal cost and incremental cost, ये मिलेंगे आपको 8th यूनिट में, जो कि शॉर्ट रन कॉस्ट एनालिसिस वाली यूनिट है। उसके अंदर ये दोनों ही कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे और इनका डिफरेंस, मतलब दोनों का जो डिफरेंस है वो आप वहीं से कर सकते हैं। 6th क्वेश्चन, इसके 2 पार्ट्स हैं। डिस्कस द मैनेजेरियल यूजेस ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन विद सूटेबल एग्जाम्पल्स। उत्पादन फलन की प्रबंधकीय उपयोगिताओं की चर्चा उपयुक्त उदाहरणों सहित कीजिए। प्रोडक्शन फंक्शन का ये क्वेश्चन है यूनिट नंबर 7। पूरा टॉपिक मिलेगा आपको उसके अंदर मैनेजेरियल यूजेस ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। इसी के साथ ही इसी चैप्टर का पार्ट है लिमिटेशंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यूज्ड इन द एस्टिमेशन ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। हिंदी में हम इसे बोलेंगे उत्पादन फलन के आकलन में उपयोग की जाने वाली विभिन्न प्रकार की सांख्यिकीय
विश्लेषण की सीमाओं का वर्णन कीजिए। ये जो टॉपिक था ना हमारा मैनेजेरियल यूजेज ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, इसी के जस्ट ऊपर ये टॉपिक गिवन है, लिमिटेशंस वाला, वहां से आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ ओलिगोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, ऑल्सो डिस्कस द प्राइस रिजिडिटी इन ओलिगोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन विद डायग्राम्स एंड एग्जाम्पल्स। अल्पाधिकारी प्रतियोगिता की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अल्पाधिकार में कीमत अन्यता की रेखाचित्रों एवं उदाहरणों सहित चर्चा भी कीजिए। 7th क्वेश्चन है जो ये यूनिट नंबर 12 में मिलेगा, प्राइसिंग अंडर मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। इसके अंदर पूरा ये टॉपिक आपको मिलेगा, जिसके अंदर प्राइस रिजिडिटी भी दी हुई है और उसके अंदर आपको डिमांड कर्व बना के दिखाना है, साथ में एग्जाम्पल भी देना है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इसके हैं 4 पार्ट्स, जिसमें से आपको कोई 2 ही करके बताने हैं, तो मैं चारों एक बार रीड कर देती हूँ। फर्स्ट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसे हम बोलते हैं अवसर लागत, ये मिलेगा आपको यूनिट नंबर 8 में, शॉर्ट रन कॉस्ट एनालिसिस वाली यूनिट है ना, उसके अंदर पूरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का आपको टॉपिक दिया हुआ है। नेक्स्ट बी पार्ट, द इनविजिबल हैंड, हिंदी में भी इसे द इनविजिबल हैंड ही बोलते हैं। यूनिट नंबर 2, द फर्म स्टेक होल्डर्स ऑब्जेक्टिव्स एंड डिसीजन इश्यूज, ये वाली जो यूनिट है इसके अंदर ये लास्ट में टॉपिक दिया होगा आपको, द इनविजिबल हैंड्स। सी पार्ट इज पीक लोड प्राइसिंग, पीक लोड कीमत निर्धारण बोलते हैं इसे, ये मिलेगा आपको प्राइसिंग स्ट्रेटजीज वाली जो यूनिट है, यूनिट नंबर 13, उसमें ये टॉपिक गिवन है पीक लोड प्राइसिंग का। लास्ट पार्ट है इसका अनसर्टेनिटी एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग, हिंदी में इसे बोलते हैं अनिश्चितता विश्लेषण एवं निर्णयन, ये है यूनिट नंबर 3, बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड टेक्निक्स। इस चैप्टर के अंदर लास्ट में कहीं आपको टॉपिक पूरा ही मिल जाएगा अनसर्टेनिटी एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग वाला। तो ये था हमारा पूरा MCO 021, यानी कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर। आई होप आपको पता चल गया होगा कि कौन सा क्वेश्चन कौन सी यूनिट में से था, और अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसे लाइक करना मत भूलिए, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह से और वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।